हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बायनिश क्लासेस फ्रेंड्स आज हम व्यूअर्स की सजेशन पे वी जेड वाई सी टी वन थ्री थ्री का जो है फ़र्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे ये फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट इसका है इंटेगमेंट्री सिस्टम तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से इंटैगमेंट्री इंटेगोमेंट integument क्या क्या होता है इंटैगोमेंट इंटैगमेंट मीन्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल्स जो एनिमल्स की जो बॉडी uh, की जो आउटर कवरिंग होती है जैसे हमारी स्किन होगी तो इसको हम इंटेगोमेंट बोलेंगे कम्पोजिशन जो है इसकी कम्पोजाइट ऑर्गन जो है इसमें जो होता है स्किन और एवरी थिंग ड्राइवड फ्राम इट जो एनिमल्स की स्किन है या स्किन के ऊपर कुछ भी है जैसे किसी के हेयर होते हैं या फैदर्स होते हैं उसको हम इंटेगोमेंट बोलते हैं जो इंटेगुमेंट है इसमें जो इसकी जो सरफेस होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं और जो उसकी जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम डर्मिस बोलते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस इन दोनों को बीच में जो है एरिया जो इनको अलग करती है मेम्ब्रेन उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं जो स्किन जो है वो हमारी बॉडी का ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है सबसे ज़्यादा वेट मतलब ये फिफ्टीन परसेंट जो ह्यूमन बॉडी का वेट है वो कवर करती है एपिडर्मिस एंड डर्मिस टुगेदर फॉर्म मोस्ट वेरिड स्ट्रक्चर्स फाउंड विद इन वर्ट एपिडर्मिस और डर्मिस ये दोनों मिलके बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाती है वर्ट में एपिडर्मिस क्या करती है एपिडर्मिस प्रोड्यूस हेयर फैदर बलिन क्लॉज नेल्स हॉर्न्स बीक एंड सम टाइप्स ऑफ स्केल्स और जो डर्मिस है, इट गिव्स राइज टू डर्मल बोन्स एंड ऑस्टियोडर्म्स ऑफ रेप्टाइल्स. कलेक्टिवली एपिडर्मिस एंड डर्मिस फॉर्म टीथ एज वेल एज डेंटिकल्स एंड स्किन ऑफ फिश जो एपिडर्मिस और डर्मिस क्या है ये टीथ भी बनाते हैं और डेंटिकल्स भी एंड स्किन ऑफ फिश फिश में जो है स्किन भी बनाते हैं इट फॉर्म्स एग्जोस्केल्टन एंड थिकनेस टू रेजिस्ट टू रेजिस्ट मैकेनिकल इंजरी तो ये जो बॉडी है और ऑर्गेनिज्म की उसको एग्जोस्केल्टन प्रोवाइड करती है और उसको थिक बनाती है उसकी बॉडी को ताकि वो कि, कि, किसी भी तरह की जो मैकेनिकल इंजरी है उससे उसको बचा सके इंटेगोमेंट हेल्प्स टू होल्ड शेप ऑफ एनिमल और ये एनिमल की शेप जो है उसको शेप प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्प करती है एंड मूवमेंट ऑफ गैसेस जो गैसेस की मूवमेंट होती है बॉडी में जो स्किन के थ्रू होती है वो स्किन गैदर्स हीट जो स्किन है वो क्या करती है अगर ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है जितनी रिक्वायर्ड होती है हीट वो जो है एटमॉस्फेयर से हीट उसको गैदर करती है और रेडिएट्स एक्सेस और जो अगर एक्सेसिव जो हीट हो बॉडी में तो उसको वो रेडिएट कर देती है उसको निकाल देती है बॉडी से स्किन पिगमेंट्स ब्लॉक सम ऑफ द सनलाइट एंड हैंस प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम हार्मफुल यू वी रेज तो जो स्किन पिगमेंट्स है हमारे स्किन के जो पिगमेंट है जो इसको कलर देते हैं पिगमेंट्स वो क्या करते हैं वो इसको सनलाइट की जो हार्मफुल रेज है जैसे यू वी रेज है उनसे भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है अब हम करेंगे एम्ब्रियनिक ओरिजन ऑफ द इंटेगोमेंट कि ओरिजन कहाँ से हुआ है का बाय द एंड ऑफ न्यूरोशन इन द एम्ब्रियो द सिंगल लेयर्ड सरफेस एक्टोडर्म जो है प्रोलिफ्रेट्स टू गिव राइज टू मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस न्यूरीशन का प्रोसेस क्या है जिसमें क्या होती है जो एक्टोडर्म है सिंगल लेयर से वो मल्टीलेयर में चेंज हो जाती है डीप लेयर ऑफ एपिडर्मिस द स्ट्रेटम बेसल जो डीप लेयर है एपिडर्मस की उसको हम स्ट्रेटम बेसल बोलते हैं रेस्ट रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ आ जाती है थ्रू एक्टिव सेल डिवीजन जब एक्टिव सेल डिवीजन होती है तो क्या होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट रिप्लेनिशिज द सिंगल लेयर ऑफ आउटर सेल्स कॉल्ड द पेरीडर्म जब सेल डिवीजन होती है तो जब सेल्स की जो लेयर जो आउटर लेयर है वो रप्चर होती है वो टूटती है तो उसको जो है ये रिफ़िल करती है दोबारा से उसको रिफ़िल करती है जिसको हम पेरीडम बोलते हैं इंटेगोमेंट इज़ कम्पोज ऑफ टू लेयर्स जो इंटेगोमेंट है ये दो लेयर्स से इसकी मेन जो है दो लेयर्स कौन सी एपिडर्मिस और डर्मिस दीज आर सेपरेटिड बाई बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एपिडर्मिस ep और डर्मिस दोनों ही जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट होती है इंटरेक्शन बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस स्टिमुलेट स्पेशलाइजेशन जो जो इंटरएक्शन एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ही आपस में मिलके बहुत सारी जो स्पेशलाइजेशन जो है वो स्किन की बनाती हैं जैसे टीथ बनाती है ये फैदर्स हेयर एंड स्केल्स जो है उनको बनाने में हेल्प करती है ये देखिए ये है एक्टोडर्म ये इसकी ये मल्टीलेयड एक्टोडर्म दिखाई गई है इसमें है डर्माटोम मायोटोम एंड ये जो डर्माटोम मायोटोम और स्क्लेरोटोम इनको हम कलेक्टिवली सोमाइट बोलते हैं ये देखिए इसका एक ये जो है सेक्शन दिखाया हुआ है इसमें ये है ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे बेसल एमेला देन ये जो है आउटर सी लेयर दिखाई दे रही है पेरिडर्म है पेरिडर्म एंड ये स्ट्रेटम बेसल इसमें देखिए ये एपिडर्मिस है जो आउटर सबसे आउटर सरफेस पे जो लेयर होती है और उसके बाद ये है डर्मिस और इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो इनको अलग करती है दोनों लेयर्स को और ये नीचे हाइपोडर्मिस और ये जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल जो है म्यूकस की जो लेयर दिखाई गई है ये उसके बाद बेसल लैमिला क्रोमेटोफोर स्ट्रेटम कंपेक्टम ये जो क्रोमेटोफोर है ये हेल्प करते हैं जो स्किन को एज इसको डिफेंस जो एक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं इस डायग्राम में हमें क्या ये क्या पता चलता है कि जो एपिडर्मिस और डर्मिस उन दोनों की डेवलपमेंट जब होती है तो उन दोनों जो एक साथ मिलके वो कौन कौन सी फॉर्मेशन जो है वो बनाती हैं ये देखिए ये उनकी डेवलपमेंट हुई और ये इधर मेमेलियन हेयर यहाँ पे बने यहाँ पे देखिए ये वर्ड बर्ड्स के जो फैदर है उनकी जो है ग्रोथ हो रही है और ये यह यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ट टूथ जो है वो वो भी स्किन से आ रहा है प्लेकॉइड स्केल्स कॉस्मोइड स्केल्स स्केल्स साइक्लो साइक्लोइड कि, किटॉइड स्केल ये सारी जो है मेमोरी ग्लैंड्स ये सारी जो है वो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को मिला के जो है दोनों के एक्शन की वजह से जो है डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट तरह की जो स्ट्रक्चर्स है स्पेशल स्ट्रक्चर्स है वो जो तैयार होती है तो ये सारा एपिडर्मिस और डर्मिस की हेल्प से होता है अब हमारे पास है जनरल फीचर्स ऑफ इंटेगोमेंट इंटेगोमेंट के जो जनरल फीचर्स कौन कौन से हैं इंटेगोमेंट मेडअप ऑफ सेल्स एंड टिशूज़ वर्क टूगेदर जब सेल्स और टिशूज़ जो है एक साथ मिलकर वर्क करते हैं तो उससे जो है इंटेगोमेंट की फॉर्मेशन होती है इट हैज सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स सेल्स की बहुत सारी लेयर्स होती है आउटर लेयर जो है वो एपीथीलियल टिशू उससे के, जो क्या क्या बनता है एपीडर्मिस डरमिस एंड हाइपोडर्मिस सबसे बाहर वाली जो होती है वो एपीडरमिस उसके बाद डरमिस देन उसके बाद हाइपोडर्मिस लेयर जो है वो बनती है एपिडर्मिस क्या है इन मोस्ट एनिमल्स इट इज़ मल्टी लेयर्ड एंड थिन क्या है मोस्ट एनिमल्स में ये मल्टी लेयर्ड होती है और बिल्कुल पतली सी थिन सी लेयर होती है इन मैनी वटेवरेट्स इट प्रोड्यूस म्यूकस म्यूकस को प्रोड्यूस करती है म्यूकस क्या करता है फिशेस में जो म्यूकस है वो हेल्प करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए और इन एम्फीबियंस म्यूकस कीप द स्किन जो है फ्रॉम ड्राइंग ऑन लैंड जो एम्फीबियंस है जब वो वाटर से लैंड पे जाते हैं तो उनमें जो है क्योंकि पहले वो वाटर में रहते हैं फिर उसके बाद जब वो लैंड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है जो उनकी स्किन है वो ड्राई हो सकती है जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग में भी जो है वो रुकावट हो सकती है तो ये जो स्किन है जो म्यूकस है उसको हेल्प करता है ताकि उनकी जो स्किन है वो लैंड पे जाके ड्राई ना हो इन टेरेस्ट्रियल वर्टेबरेट्स एपीडरमिस फॉर्म्स एंड आउटर कैराटेनाइज और कॉर्नीफाइड लेयर तो जो टेरेस्ट्रीय वर्टैबरेट्स हैं उनमें जो है कैराटनाइज कैराटेनाइज लेयर जो है वो फॉम होती जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नीम बोलते हैं ये जो है डेड सेल्स की डिफ्रेंशिएशन से बनती है न्यू एपिडर्मल सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन माइटोटिक डिवीजन से जो नए epi, जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी जो लेयर बनती है प्राइमरली डीप एपिडर्मल लेयर जिसको हम स्ट्रेटम बेसल बोलते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेरियस प्रोटीन प्रोडक्ट्स एकामूलेट कलेक्टिवली फॉर्म कैराटीन जो वे जो प्रोटीन जो आ, आ, प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं कलेक्टिवली कुले, एक कैराटीन लेयर जो प्रोटीन की लेयर होती है कैराटीन लेयर बनाते हैं जो वाटर सोल्यूबल होती इनसॉल्यूबल होती है इस प्रोसेस को हम कैराटीनाइजेशन बोलते हैं कैराटीन हेल्प्स द स्किन टू मेंटेन बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड इंजरी जो कैराटीन है वो हेल्प करता है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रोकने में हेल्प करता है उसके लिए एक बैरियर का काम करता है और जो इंजरीज जो होती है बॉडी में उसको भी प्रोटेक्ट करता है उससे भी बचाता है बॉडी को स्ट्रेटम कॉर्नियम डिफ्रेंशियटेड इंटू हेयर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसका क्या काम होता है वो हेयर हूब्स हॉर्न उसमें जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है उसके सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एपीथीलियल सेल्स प्रोड्यूस ग्लैंड और जो एपीथीलियल सेल्स हैं वो ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं और जो स्केल्स है दीज आर विद इन एक्टिक एंड टेरेस्ट्रील वर्टेवरेट्स जो एपी ये जो एपीथीलियल सेल है वो एक्टिक और जो टेरेस्ट्रियल वर्टेबरेट्स हैं उनमें स्केल्स बनाते हैं जो डर्मल फोल्ड है उसका वो उसको हम डर्मल स्केल बोलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास डर्मिस डरमिस क्या है जो एपीडर्मिस से अगली लेयर जो है वो डर्मिस है इट फॉर्म्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कम्पोज ऑफ कोलेजन फाइबर कोलेजन फाइबर से जो बनता है अपर लेयर लाइज डायरेक्टली बिलो द बेसल मेम्ब्रेन बेसल मेम्ब्रेन के जो डायरेक्टली बिलो बिल्कुल साथ में उसके नीचे जो है ये लाई करती है इट इज़ कम्पोज ऑफ़ पैक्ड सेल्स द लेयर बिलो इट हैज़ मोर टाइटली पैक्ड सेल्स जो इसके नीचे वाली लेयर है उस उसके जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक होते हैं जिसको हम स्टेटम कम्पैक्टम बोलते हैं इट इंक्लूड्स नर्व्स इसमें क्या क्या होता है नर्व्स होती हैं ब्लड वेसल्स पिगमेंट सेल्स बेसिस ऑफ फैदर्स हेयर एंड अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स डर्मिस ऑफ वर्टेब्रेट्स फॉर्म्स प्लेट्स ऑफ बोन्स जो डर्मिस है वर्टेब्रेट्स की वो बोन्स की जो प्लेट बोन प्लेट्स है उनको बनाती है बिकॉज ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक सोर्स एंड इनिशियल पोजिशन विद इन डर्मिस डर बोन्स ये डरमिस के साथ होने की वजह से इनको हम डरमल बोन्स बोलते हैं इट प्रोटेक्ट नेक्स्ट अब हमारे पास है फंक्शन ऑफ इंटेगूमेंट इंटेगुमेंट के क्या क्या काम है हमारी बॉडी में फर्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स फ्रोम डैमेज माइक्रोब्स एंड एब्रेशन क्या है ये जो है जो हमारी स्किन है वो हमारी बॉडी को जो डैमेज से ऑर्गन्स को डैमेज से बचाती है और जो माइक्रोबियल एक्शंस है जो जैसे इन्फेक्शन है उनसे भी बचाती है इसको हम फर्स्ट डिफेंस बोलते हैं इन द इम्यून सिस्टम जो इन्फेक्शन से के अगेंस्ट जो है वो काम करती है देयर आर टाइनी ऑयल ग्लैंड यहाँ पे क्या होती है इसमें छोटी छोटी सी ऑयल ग्लैंड भी होती है जो इसका जो बैरियर फंक्शन है स्किन का कौन सा जो बैरियर जैसे ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये एज अ बैरियर एक्ट करती है उस उस फंक्शन को उसको एनहेंस करने में हेल्प करती है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट यू वी रेडिएशन जो सन से यू वी रेडिएशन आती है उनसे भी जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है सेकेंड इट रिसीव्स एंड कंडक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक टच केमिकल्स एंड टेम्परेचर टू द नर्वस सिस्टम क्या है इसका काम क्या है कि ये जो स्किन स्किन जो है वो नर्वस हमारे नर्वस सिस्टम तक हमारे ब्रेन तक जो है वो एक स्टिमूलाई स्टिमुलस जो है वो क्रिएट करती है स्टिमुलस को हमारी स्किन से ब्रेन तक जो है कोई भी जैसे हमारा टच जो हो गया या हमारी बॉडी किसी भी चीज़ के साथ टच करती है या टेम्परेचर हो गया या किसी केमिकल के साथ टच करती है तो उसका जो स्टिमुलस है ये नर्वस सिस्टम तक पहुँचाती है मतलब हमारे ब्रेन तक पहुँचाती है नेक्स्ट इज इट रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन मोस्ट वर्टेबरेट्स बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है जो मैमल्स है मोस्ट मोस्ट मैमल्स जो है उनमें जैसे स्वेटिंग uh, जैसे पसीना आता है ह्यूमंस में भी ये जो है प्रोटेक्ट uh, करती है थ्रू स्वेटिंग इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिहाइड्रेशन एंड वाटर लॉस इन टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स तो so डिहाइड्रेशन से भी बचाती है वाटर लॉस से इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन मैनी एक्वेटिक वर्टेब्रेट्स। एक्वेटिक वर्टेब्रेट्स जो होते हैं जो पानी में रहते हैं उन वो कुछ वर्ट जो है ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो थ्रू स्किन जो है वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं जो उनकी रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू होती है गैसेज एक्सचेंज जो होती है इट इम्पार्ट्स कलर विच मे वी प्रोटेक्टिव कलर भी देती है जो जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है अब हम करेंगे फाइलोजेनी फाइलोजेनी क्या है जो इंटेगोमेंट की फाइलोजेनी एक्सेप्शन द स्किन ऑफ मोस्ट लिविंग फिशेस इज नॉन केरेटिनाइज एंड कवर्ड इंस्टेड बाय म्यूकस क्या है मोस्ट जो लिविंग फिशेज हैं उनकी जो स्किन है वो नॉन कैरेटिनाइज होती है

इन मोस्ट लिविंग फिशेस द एपिडर्मिस इज़ अलाइव जो लिविंग फिशेस हैं मैक्सिमम उनमें क्या होती है एपिडर्मिस जो अलाइव होती है इसमें क्या होता है देर इज़ नो प्रोमिनेंट लेयर ऑफ डेड कैरेटिनाइज सेल्स तो यहाँ पे जो है डेड कैरेटिनाइज सेल्स जो है वो नहीं होते ये जो है ये टू टाइप्स की होती है फिशेस में एपिडर्मल सेल्स एंड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स दो तरह के जो सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स और यूनिसेलुलर सेल्स एपिडर्मल सेल्स क्या है दीज आर मेकअप स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस इन लिविंग फिशेस इंक्लूडिंग साइक्लोस्टोम्स एपिडर्मल सेल्स आर टाइटली कनेक्टेड थ्रू सेल जंक्शन सेल जंक्शंस के थ्रू ये है टाइटली कनेक्ट होते हैं आपस में कंटेन सिक्रेटरी वेसिकल्स दैट रिलीज टू द सरफेस वेयर दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द म्यूकस क्यूटिकल यहाँ पे जो है म्यूकस जो है म्यूकस की जो एक क्यूटिकल लेयर है वो जो है बनती है और यूनिसेलुलर ग्लैंड्स क्या होती है दीज आर सिंगल स्पेशलाइज्ड एंड इंटरप्रेस्ड एमंग द एपिडर्मल सेल पॉपुलेशन क्लब सेल इज एन एलनगेटेड समटाइम्स बाई न्यूक्लियट यूनिसेलुलर ग्लैंड जो क्लब सेल है वो क्या है एलनगेटेड और बाई न्यूक्लियट यूनिसेलुलर ग्लैंड है कोलेजन विद इन द स्टेटम्स कैंपेक्टम इज़ रेगुलरली ऑर्गेनाइज इन टू पाइल्स जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं कोलेजन जो है वो क्या करते हैं पाइल्स के को ऑर्गेनाइज करते हैं जो फिश की बॉडी है उसके जो अराउंड है वो स्पाइरल स्पाइरल मतलब उसके अराउंड जो है वो लिपटता है अलाउ द स्किन टू बेंड विदाउट रिंकलिंग और जब जो फिश है वो मतलब फ्लोट करती है जब वो स्विमिंग करती है तो उसकी जो स्किन है उसको बेंड करने में हेल्प करता है विदाउट रिंकलिंग मतलब जब वो स्किन एक स्मूथ तरीके से बेंड होती है उसमें किसी भी तरह के रिंकल्स जो है वो नहीं होते इन सम फिशेस डर्मिस हैज़ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ कुछ फिशेस में क्या होता है जो डर्मिस है उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है क्यों क्योंकि वो जब स्विमिंग करती है तो वो पहले बेंड करती है फिर उसके बाद वो जो उसके उनको उसकी बॉडी को फिर वो अनबेंट भी करती है तो उसके लिए जो है इलास्टिक करैक्टर जो इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो हेल्प करती है उसके बेंड और अनबेंड करने में इस डायग्राम को देखिए अब इसमें ये सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस जिसमें ये स्केल्स जो है वो फॉर्म होते हैं ये है ये और ये है डर्मिस ये मसल्स अब जो एपिडर्मिस है इसके साथ ये बोनी स्केल्स जो है इसमें दिखाए गए हैं यहाँ पे है बोनी स्केल्स ये जो राउंड राउंड से दिख रहे हैं ये है म्यूकस ग्लैंड्स है यहाँ से म्यूकस जो है वो स्क्रीट होता है उसके बाद यहाँ पे है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देन उसके बाद क्रोमेटोफोर क्रोमेटोफोर जो है वो डिफेंस का जो काम करते हैं देन यहाँ पे है सबक्यूटिस और यहाँ पे जो दिखाई दे रही है हमें यह है ब्लड वेसल्स फ्रेंड्स डायग्राम्स को ध्यान से करना क्योंकि डायग्राम्स अगर नहीं है तो जो थ्योरी है उसका कोई बेस नहीं बनता लिखने का तो डायग्राम को अच्छी तरह से तैयार करना फिश गिव्स राइज टू डर्मल बोन एंड डर्मल बोन गिव राइज टू डर्मल स्केल्स जो फिश डरमस है उससे क्या है डर्मल बोन्स जो है वो अराइज होती है जैसे हमने डाइग्राम में अभी देखा कि डर्मल बोन्स जो है वो अराइज होती हैं दैन डर्मल बोन गिव राइज टू डर्मल स्केल्स जो डर्मल बोन्स हैं तो उससे क्या होता है डर्मल स्केल्स जो है वो फॉर्म होती है नेक्स्ट है प्रिमिटिव फिश प्रिशज कौन सी है इन ऑस्ट्रैकोडर्म्स एंड प्लेकोडर्म्स द इंटेगोमेंट प्रोड्यूस्ड प्रोमिनंट बॉडी प्लेट्स ऑफ डर्मल आर्मर जो क्या है उस टेकोडर्म्स है और प्लेकोडर्म्स है इनमें क्या होती जो है cranial, cranial large, जो इंटेगोमेंट है दैट फॉर्म्स प्रोमिनेंट बॉडी प्लेट्स डर्मल बोन्स ऑफ क्रेन क्रेनियल रिजन वर लार्ज ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर पीसेस। जो डर्मल बोन्स थी प्रिमिटिव फिश प्रिमिटिव फिश कौन सी जो अभी मतलब जो प्राइमरी फिश जो बहुत ही पुराने टाइम में जिनमें जिनमें अब कुछ कुछ करैक्टर्स बचे हैं प्रिमिटिव फिश के और अब डेवलपमेंट के साथ साथ उनका जो है वो चेंज हो रही है डर्मल बोन्स ऑफ क्रेनियल रिजन वर लार्ज ब्रोकन अप इन टू स्मॉलर पीसीज जो डरमल बोन हैं वो क्या है लार्ज uh, uh, जो है पहले लार्ज थी अब वो क्या होता है टाइम के साथ साथ वो स्मॉलर रीजन में स्मॉलर पीसीज में जो है वो ब्रेक कर रही है उनको हम डर्मल स्केल्स बोल रहे हैं सरफेस वाज ऑर्नामेंटेड विद टाइनी मशरूम शेप्ड ट्यूबरकल्स जो उसकी सरफेस है वो उस पर क्या होते हैं टाइनी जो है छोटे छोटे से मशरूम लाइक -like जो है टूबरकल्स होते हैं दीज आर कंसिस्ट ऑफ एनेमल जिसपे क्या है एनेमल की लेयर होती है एंड एनेबल लाइक सब्सटेंस जो है इनर लेयर पे उसको हम डेंटाइन भी बोलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास अगंथा स्किन ऑफ लिविंग हैग फिश एंड लैम्प्रे डिपार्ट्स फ्रॉम दैट ऑफ प्रेमटिव फॉसिल फिशेज अब जो प्रेमटिव फिशज़ है मतलब जो पुरानी फिशज हैं उनसे जो अगंथा है वो अलग है जो हैग फिशिज है, है लेम्प्रेस जो है वो प्रिमिटिव फॉसिल फिशेज से थोड़ी सी अलग होती है डर्मल बोन इज लोस्ट एंड स्किन सरफेस इज स्मूथ डर्मल बोन क्या है अब आगे? पहले प्रिमिटिव फिश में डर्मल बोन प्रेजेंट थी अब क्या हो रहा है कि डर्मल बोन जो है वो जो अगंथा फिश है इनमें डर्मल बोन एबसेंट होती है और स्किन सरफेस जो इनकी वो स्मूथ होती है एंड विदाउट स्केल्स और कोई भी स्केल जो है उस पर नहीं होते एपिडर्मिस इज कम्पोज ऑफ स्टैग्ड लेयर सेल्स एपिडर्मिस पे क्या होते हैं जो स्टैग लेयर ऑफ सेल्स होती है यूनिसेलुलर ग्लैंड नेमली ग्रैनुलर सेल्स एंड एलेंगे क्लब सेल्स आर इंटरस्पर्स्ड एमंग दैम उनके साथ जो है यूनिसेलुलर ग्लैंड भी जो उनके साथ लाई करती है स्किन ऑफ हैग फिश इनक्लूड्स थ्रेड सेल्स दैट डिस्चार्ज थिक कोड्स ऑफ म्यूकस एंड स्किन म्यूकस टू स्किन वैन फिश इज इरीटेटेड हैग फिश की uh, में क्या होता है कि उसकी जो स्किन है उस पर थ्रेड सेल्स होते हैं थ्रेड लाइक जो है स्ट्रक्चर्स uh, होती है सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं वो जब फिश uh, जो है कभी कभी जैसे इरीटेट होती है तो क्या होते हैं वहाँ तो उसकी स्किन पर जो है वो म्यूकस की एक लेयर जो है वो थिक सी लेयर जो है वो डेवलप होती है डर्मिस इज ऑर्गेनाइज इनटू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स तो जो डर्मिस है उस वो क्या होता है फाइबर जो फाइबरस कनेक्टिव लेयर्स जो होती है टिश्यू की उसमें प्रेजेंट होती हैग फिशज ऑल्सो पोजेस मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड दैट रिलीज देयर प्रोडक्ट्स थ्रू डक्ट्स टू द सरफेस जो हैग फिश में जो स्लाइम uh, ग्लैंड है मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड है वो क्या करती है वो जो है दैट रिलीज जो थ्रू द डक्ट्स ट्रू द सर्फेस तो उस पर जो स्क्रीट होता है म्यूकस जो स्क्रीट होता है तो वो डक्ट से निकल के सरफेस तक जो है बाहर आ जाता है ये देखिए इस डायग्राम में ये ऊपर वाली लेयर जो है यहाँ से यहाँ तक ये एपिडर्मिस और उसके नीचे जो है वो डर्मिस है एपिडर्मिस में यहाँ पे यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल्स जो पड़े हुए हैं और ये क्लब शेप जो ग्लैंड सेल्स है ये प्रेजेंट है ये क्यूटिस और ये जो है डर्मिस लेयर है इसके नीचे जो है वो पिगमेंट सेल्स जिनको हम मिलेनोसाइट्स भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्क्थाइस इनमें क्या होता है इन कार्टिलेजनस फिशिज़ डर्मल बोन इज एब्सेंट अब जैसे प्रीमिट प्रीमिटिव फिश थी उनमें डर्मल बोन प्रेजेंट थी लेकिन इनमें क्या है जो कार्टिलेजिनस फिशज हैं उनमें डर्मल बोन जो है वो एबसेंट है बट डेंटिकल डर्मड एज प्लेकॉइड स्केल जो डेंटिकल प्रेजेंट है उसको वो एज अ प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है दी स्केल्स गिव रफ फील टू स्किन ये जो है स्केल्स उसकी वजह से जो फिश की जो स्किन होती है वो रफ़ टच देती है हमें देखने में उसको अगर हम टच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो रफ स्किन है बिल्कुल दीज टाइनी प्लेकॉयड स्केल्स फेवरेबली अफेक्ट वाटर फ्लोइंग एक्रोस द स्किन एज फिश स्विम फॉरवर्ड ये जो प्लेकॉयड स्केल्स है ये मतलब फ़िश को जैसे फिश जो है वाटर में स्विम करती है तो उसको हेल्प करती है उसी स्विमिंग में हेल्प करती है तो वाटर फ्लो को जो है पीछे को धकेल के तो फिश को फॉरवर्ड जाने में हेल्प करती है न्यूमरस सेकेंडरी सेल्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस एज वेल एज स्टेटिफाइड एपिडर्मल सेल्स जो है सेकेंडरी uh, सेल्स जो है एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टेटिफाइड एपिडर्मल सेल्स भी बोलते हैं डर्मिस इज कम्पोज ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू स्पेशली इलास्टिक फाइबर्स एंड कलेचन फाइबर्स जो डरमस है डरमिस में क्या होते हैं फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें जो इलास्टिक फाइबर्स uh, होते हैं और कलेचन फाइबर्स होते हैं दिस गिव स्किन स्ट्रेंथनिंग एंड प्रिवेंट रिंकलिंग ड्यूरिंग द स्विमिंग वही ये जो फिश की स्किन है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है स्विमिंग में हेल्प करती है जैसे वो स्विम करती है तो जब उसके जो उसके जो लीव्स हैं जो जैसे वो अपनी स्किन को पीछे की तरफ मोड़ती है तो उनमें जो है रिंकल्स नहीं बनते तो वो मतलब प्रॉपरली उसको स्विमिंग में हेल्प करता है प्लेकॉइड स्केल्स डेवलप्स इन द डर्मिस बट प्रोजेक्ट्स थ्रू द एपिडर्मिस प्लेकॉइड स्केल डेवलप तो होती है डर्मिस में डर्मिस में से निकलती है और ये एपीडर्मिस के में से जो है वो प्रोजेक्ट करती है बाहर की तरफ एपीडरमिस से बाहर आती है अ कैप फॉर्म्स टिप डेंटाइन लाइज beneath एंड पल्प cavity रिसाइड्स within जो टिप है वहाँ पे कैप बनता है और उसके बाद जो है उसके नीचे डेंटाइन होता है देन जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे पल्प कैविटी जो बनती है देखिए इस डायग्राम में ये दिखाया हुआ है प्लेकॉइड स्केल ये है इसका एनेमल ये डेंटाइन ये है ये जो लेयर है ऊपर वाला इतना पार्ट यह है एपिडर्मिस और ये नीचे वाला जो है वो डर्मिस ये देखिए क्या है जो स्केल है वो डर्मिस से निकल रहा है ये डर्मिस पोर्शन है डर्मिस से निकल रहा है और डर्मिस से डेवलप होके वो एपिडर्मिस के तक जा रहा है एपिडर्मिस से वो बाहर दिखाई दे रही है ये स्केल ये इसका एनिमल और ये इसका डेंटाइन पोर्शन देन ये अंदर वाला जो है इसका वो है पल्प कैविटी ये देखिए ये जो स्केल है इसके ऊपर जो है वो स्पाइंस जो प्रेजेंट है ये इसका बेसल प्लेट ऐसे स्पाइंस जो है वो दिखने में ऐसे स्पाइंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिसकी जिसकी वजह से जो स्किन है इसकी वो रफ़ टच देती है ये जो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है इस एरिया में एपिडर्मिस में एपिडर्मल सेल्स और जो है सेक्रेटरी सेल्स जो वो प्रेजेंट है नेक्स्ट है हमारे पास बॉनी फिश डर्मिस ऑफ बॉनी फिशिज इज डिवाइडेड इनटू जो डर्मिस है बॉनी फिशिज़ की उसको हम दो तरह के सेल्स में डिवाइड करते हैं सुपरफिशियल लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिशू एंड डीपर लेयर ऑफ डेंस फाइबर फाइबरस कनेक्टिव टिशू इसमें क्या होता है जो क्रोमेटोफोर्स है वो डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं और जो डर्मिस का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है स्केल्स डर्मिस जो है वो स्केल्स जो है बनाती है डर्मल स्केल डू नोट पियर्स द एपिडर्मिस जैसे हमने पिछली जो पिछली थी फिशेस उसमें जो पिछली डायग्राम में हमने देखा कि जो डर्मिस है वहाँ से जो स्केल डेवलप होती है तो वो जाके एपिडर्मिस में निकलती है लेकिन इसमें क्या है डर्मल स्केल डू नॉट पियर्स द एपिडर्मिस डरमिस स्केल जो है वो एपिडर्मिस को नहीं छेड़ती उसको फाड़ती नहीं है जैसे उसमें से फाड़ के बाहर निकलती है तो इसमें इसको पियर्स ऑफ नहीं करती उसको फाड़ के बाहर नहीं आती बट सो क्लोज टू द सर्फेस पर सर्फेस के बहुत ही ज़्यादा पास में होती है एंड मेक्स द स्किन हार्ड जिसकी वजह से जो स्किन है वो हार्ड दिखाई देती है इज वास्कुलर डर्मिस जो होती है वो वास्कुलर होती है और परमिएबल होती है इन सम फिश पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज परमिएबल का मतलब क्या है कि उसमें से जो है वो गैसेस uh, जो मतलब उसमें से मटेरियल जो एक्सचेंज हो सकता है पास थ्रू हो सकता है उसकी वजह से क्या है वो, वो जो है गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है एपिडर्मिस हैव मैनी म्यूकस ग्लैंड टू रिड्यूज़ फ्रिक्शन एंड प्रवेंट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन जो एपिडर्मिस है उसमें जो है म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है म्यूकस ग्लैंड क्या है ये म्यूकस रिलीज़ करती है जो हेल्प करता है जो बैक्टीरियल uh, इन्फेक्शन को रोकने में और फंगल इन्फेक्शन को रोकने में और उससे जो है फ्रिक्शन भी जो है वो कम होती है क्योंकि जब म्यूकस रिलीज होता है तो वो है अब जो एक स्मूथ लेयर वो बनाता है उस पर जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम होती है सम फिशेस है पॉइजन ग्लैंड्स कुछ फिशेस के पास पॉइजन ग्लैंड्स भी होती हैं अपने आप को बचाने के लिए प्रिडेटर से बचाने के लिए वो जो है पॉइजन रिलीज करती है सम है फोटोफोर्स एंड क्रोमेटोफोर्स तो कुछ के पास फोटोफोर्स भी होते हैं क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं उसके किसी भी तरह की जो इंजरी उसको उसमें होती है उसको बचाने में हेल्प करते हैं और डिफेंस का, का काम करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने का, का काम करते हैं देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस अपियरेंस की बेस बेसिस पे मतलब कैसी उनकी जो दिखने में कैसी है उसके बेस पे जो है स्केल्स की कई टाइप्स है जैसे कॉस्मोइड स्केल ये प्रिमिटिव फिशेज में देखने को मिलती है हैविंग डबल लेयर ऑफ बोन वन इज़ वास्कुलर एंड अदर इज़ लैमेलर दो लेयर्स है बोन्स की जिसमें एक जो है वो वास्कुलर है और दूसरी लेमेलर है द लेयर ऑन आउटर सर्फेस ऑफ बोन इज रिकोगनाइज एज डेंटाइन एंड लेयर ऑन डेंटाइन रिकोगनाइज एज एनेमल जो आउटर सरफेस पे जो लेयर है बोन्स की उसको हम डेंटाइन बोलेंगे और डेंटाइन जो है उसके ऊपर जो लेयर है उसको हम एनेमल बोलेंगे गेनॉयड स्केल्स गेनोइड स्केल्स कौन सी होती है दीज आर थिक सरफेस कोट ऑफ एनेमल विदाउट अंडरलाइन लेयर डेंटाइन जैसे अब लेयर स्केल्स में क्या है उसमें जो है डेंटाइन प्रेजेंट है तो गेनॉइड स्केल में क्या है ये थिक जो थिक कोट है एनेमल का और इसमें जो है डेंटाइन वो नहीं होती डर्मल बोन फॉर्म्स फाउंडेशन ऑफ गेनोइड स्केल अपीअरिंग एज डबल लेयर ऑफ वास्कुलर एंड लैमेलर। गेनोइड स्केल्स आर शाइनी ओवरलैपिंग एंड इंटरलोकिंग ये क्या होती है शाइनी होती हैं ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप करती हैं और इंटरलॉकिंग होती है इंटरलॉकिंग मतलब एक दूसरे के अंदर जो है वो एज अ लॉक की तरह एक दूसरे के साथ वो हो, कनेक्ट होती है नेक्स्ट है टिलियोस्ट स्केल टिलियोस्ट स्केल कौन सी होती है दिस लैक्स एनिमल डेंटाइन एंड वास्कुलर ना तो जो टिलियोस्ट स्केल है ना तो इसमें एनिमल प्रेजेंट है ना डेंटाइन और ना ही वास्कुलर लेयर प्रेजेंट है इसमें सिर्फ लेमिलर लेयर जो है वो बचती है वही इसमें प्रेजेंट होती है विच इज़ अ सेलुलर एंड मोस्टली नॉन कैल्सीफाइड ये दो तरह की होती है एक साइक्लॉइड एक डिनोइड अब जो साइक्लॉइड स्केल है दीज आर कंपोज ऑफ सर्कुलाई एंड डिनोइड स्केल जो है वो दीज आर विद फ्रिंज ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग द पोस्टीरियर मार्जिन पोस्टीरियर मार्जिन में जो ये प्रोजेक्ट करती है इनकी प्रोजेक्शन जो है वो फ्रिंज लाइक प्रोजेक्शन जो है वो इनकी दिखाई देती है पोस्टीरियर मार्जिन पे यहाँ देखिए ये डर्मल स्केल्स दिखाए हुए हैं ये जो है ऊपर वाली लेयर ये एपिडर्मिस है उसके नीचे बिल्कुल जो वो डर्मल स्केल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ये इसका एक सेक्शन जो दिखाया हुआ है एपिडर्मिस का एपिडर्मिस में एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है क्लब सेल्स प्रेजेंट है और बेसल लेयर जो प्रेजेंट है उसके बाद जो है वो डर में स्टार्ट होती है यहाँ देखिए ये डिफरेंट टाइप्स की जो स्केल्स है उनकी डायग्राम दिखाई गई है ये है प्लेकॉइड स्केल्स ये दिखने में इन ये स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स है ये स्पाइंस बने हुए हैं इनपे यह है गेनॉइड स्केल्स रोमबॉयड गेनॉयड स्केल्स और ये है साइक्लाइड और टिनोड स्केल्स हैं देख सकते हो आप ये जो ऊपर वाली लेयर है इसमें एक सिंगल सिंगल स्केल दिखाई गई है ये है स्पाइन मतलब जो स्पाइन जो प्लेकॉइड स्केल है उसका जो स्पाइन है ये दिखने में ऐसा दिखता है बेसल प्लेट मीडियन स्पाइन देन उसके बाद ये सेकेंड वाली गेनॉइड स्केल है ये सिंगल स्केल जो है वो ऐसी दिखती है उसके बाद साइक्लॉइड स्केल ये देखिए ये है इसकी कंसेंट्रिक लाइंस इसमें भी है जो इसमें भी है उसके बाद टिनॉइड स्केल्स इनमें देखिए ये सेंट्रल कैनाल है और ये एनुअल रिंग्स इसमें प्रेजेंट है ये जो है और ये सर्कुलेट तो इन स्केल्स के साथ जो है जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं विच टाइप ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन कार्टिलेजनस फिशज बॉनी फिशिज़ आर करैक्टराइज्ड बाय विच टाइप ऑफ स्केल्स तो इससे रिलेटेड हमारे पास वन वर्ड जो आंसर वाले क्वेश्चन वो भी है और लार्ज जो है क्वेश्चन वो भी आ सकते हैं उसके इसके बेस पे तो हमने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स इंटेगूमेंट्री सिस्टम तो इस अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जो बाकी की वीडियोज़ हैं उनकी भी नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू